तो सीधा जाता हूँ मैं इसी रूम में, बहुत भारी गर्मी है। इट्स नॉट वर्किंग यार, बुफे लगा हुआ है ऐसा लग रहा है। तो श्रीलंका में मैं अभी आया हूँ, तो मैं अभी कवर कर रहा हूँ वेज बुफे। तो मैंने इंडिया में बुफे इतना कवर नहीं किया, तो अभी मुझे लगा यहाँ पे श्रीलंका में मैं ट्रैवल कर रहा था और एक रेस्टोरेंट दिखी। लास्ट नाइट में यहाँ से वॉक कर रहा था, काफ़ी भीड़ थी और मैंने सर्च किया तो काफ़ी रिव्यू अच्छे थे। तो बाहर नॉन एसी है और थोड़ा गर्मी भी बहुत है, तो मैं अंदर एसी में बैठा और कोई नहीं है, तो अच्छा अच्छे से सूट कर पाऊँगा। तो मैंने अभी देखा बुफे लगा है और काफ़ी लोग खा रहे हैं और डिफरेंट है। तो साउथ इंडियन लाइक तमिल, यहाँ पर काफ़ी लोग तमिल है तो तमिल बुफे। तो आफ्टरनून है, अभी लंच टाइम है, नीलाज एसी एक्सक्लूसिव वेज स्ट्रीट। तो ये नेम है और एक उसका नेम अलग है, तो मैं उस नीचे मेंशन कर दूंगा। टाइमिंग है और काफ़ी सारे यहाँ पे जूस, तंदूरी, कुलचा, सूप, स्नैक्स है, डोसा, साउथ इंडियन स्पेशल, पूरी, इडली, चिली पराठा, वेजिटेबल कुत्तू, पुलाव, वेज बिरयानी। तो अभी मैं मील कवर कर रहा हूँ, साउथ इंडियन मील्स, और उसका प्राइस जो है उसमें 9 डिशेस कवर होगी। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो लेट्स इंट्रोड्यूस सम फूड नेम। मैं यहाँ के जो हेल्प मुझे करेंगे उसके साथ आपको मैं उसका फूड टूर करवाता हूँ। और दैट्स अ राइस, द राइस, ओके, दिस इज अ तमिल नेम इज कुलम्बू, ओके, दैट्स सांबर काइंड ऑफ, नॉट, ओके, दैट्स, तो ये तमिल में है कुलम्बू, दैट दिस इज दाल, ओ दिस इज दाल, ये दाल, तमिल नेम इज परपु, परपु, तमिल नेम इज परपु, दिस इज तमिल नेम इज मुरुंगकाय, मुरुंगकाय लाइक ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक, दिस इज तमिल नेम इज कीरी, 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 तो तमिल नेम है कीरी। और ये कुछ वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, खा के पता चलेगा, दैट्स ऑनियन, यस, ऑनियन सांबल, द वंगाय चंबल, दैट्स ऑनियन रायता, दिस इज तमिल नेम इज कडलई, कडलई, तो लाइक ये है छोले चने, दिस इज पायासम, पायासम लाइक स्वीट वन, पपड़म, दैट्स अ पपड़म एंड सम ग्रे रेड चिलीज आइस, मुझे पिकल, दैट्स अ पिकल, कर्ड, कर्ड एंड रसम, रसम, ओके, तो दैट्स ऑल, या दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू, दिस इज चपाती, दिस संबल, या कोकोनट संबल, कोकोनट संबल, लेडीज फिंगर कुलम्बू, लेडीज फिंगर कुलम्बू, या दाल, दाल, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये आप देख सकते हो पूरा ट्रेडिशन खाना, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कि ये ग्रीन सब्जी है कुछ, मैं तमिल नाम भूल गया, लेकिन ये कुछ है यहाँ की सब्जी है, ये दाल, ये स्वीट वन, ये छोले चना, ये ड्रमस्टिक, पपड़म, ओनियन, राइस, और रोटी की साइज़ देखिए, लुक एट दिस रोटी साइज, पिज्ज़ा से भी बड़ा है, बहुत बड़ी रोटी है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये बफे में इतना कवर है, अनलिमिटेड है, प्योर वेज। मैं आउट ऑफ इंडिया अगर जाता हूँ तो वो भी इसलिए कवर करता हूँ कि वहाँ का क्या लोकल फेमस है, वो अगर आप देखते हो और कभी आप फ्यूचर में जाओ, पर मैं चाहता हूँ सभी जाए, तो आप खा सकते हो आराम से। आओ देखो खाओ, गुजरात, तो ये भाई मुझे बहुत हेल्प कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आर यू यूट्यूबर, उनको लगा लोकल होंगे, मैंने बोला कि इंडिया से होते हो, थोड़ा शौक हो गया। तो चपाती लेता हूँ और सीधा पहले मैं ये यहाँ का छोले चना, तो देखने में काफ़ी ट्रेडिशनली, केले के पत्ते पे, जितना भी साउथ इंडियन स्टाइल खाना होता है केले के पत्ते पे ट्रेडिशनली खाना सब होता है। तो पहला बाइट श्रीलंका में प्योर वेज बफे, एक चीज़ है, जितने भी चेन्नई, केरला और श्रीलंका में भी काफ़ी तमिल लोग रहते हैं, तो उनके खाने में एक टेस्ट होता है एक सिमिलर वाला,
उनका जो मसाला है ना बहुत ही अच्छा है। पपड़म हल्का सा स्पाइसी है, हल्का सा, नॉट ज़्यादा। मैं देखता हूँ स्पून सम ग्रेवी पीने के लिए, तो स्पून तो नहीं थी यहाँ पे, लोग ज़्यादा ट्रेडिशनली हाथ से खाना पसंद करते थे, छोटा सा मैं स्पून लेके आ गया। तो ये जो ग्रेवी है, मतलब भिंडी वाली ग्रेवी, वाओ बहुत ही अच्छा। जो ऊपर का जो रोगन है ना, इतना स्पाइसी, और भिंडी खट्टी मिट्टी लग रही है। ये मैंने कहीं पे खाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं केरला गया था वहाँ पे वेज मील में ये थी भिंडी वाली सब्जी। ये सब्ज़ी वाकई बहुत अच्छी है। ये मैं कुछ राइस के साथ ट्राई करूँगा, ड्रम स्टिक है, और दाल मुझे टेस्ट करनी थी। दाल को मैं ऐसे ही टेस्ट करता हूँ कि यहाँ की दाल कैसी रहती है। बहुत ही अच्छी है, लाजवाब टेस्ट, सच में टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी। हल्दी, हल्का सा ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली का टेस्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा। ऐसे दाल मैं घर पे मम्मी जब बनाती है तो ऐसे दाल, उसके साथ कढ़ी और राइस, इस तीनों को मिक्स करके जब खाता हूँ ना तो वैसा ही कुछ फील हो रहा है वो दाल, जो कढ़ी वाली दाल है। अगर मैं दाल की कितनी मोटी गाढ़ी दाल है, और अंदर आप देख सकते हो थोड़े से मुझे ये राई के दाने, ग्रीन चिली पीसी हुई है वो टेस्ट में आ रही है, कुछ क्यूमिन सीड्स हैं, जीरा, पूरा बड़ा सा डाइनिंग एरिया है। और अभी क्या है कि काफ़ी लोग खा के गए हैं और मैंने रिक्वेस्ट किया तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बाहर तो क्राउड बैठा ही है, तो फटाफट मैं राइस के साथ ट्राई करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा राइस ले लिया, उसमें थोड़ी सी मैं ये ग्रीन सब्जी ऐड कर देता हूँ, थोड़ी सी मैं ये खट्टी भिंडी वाली ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं पपड़म ले लेता हूँ, उसको चूरा करते हैं और मिक्स करते हैं, और लेट्स इट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा पपड़म का क्रंच, बहुत अच्छा खाना है। और सबसे अच्छी बात है प्योर वेज है, तो खाने की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है। ये ड्रमस्टिक पूरे मसाले में सजाए हुए, वाओ। मैं कवर कर रहा हूँ ट्रैवलिंग जर्नी भी, तो मैं मौका मिलता है तो मैं फूड जर्नी भी उसमें से कवर करता हूँ जो मैं बता सकूँ, तो वो नीचे लिख देता हूँ मैं, नेचर्स आर्टिशन नाम है, तो आप उसमें मेरी पूरी ट्रैवलिंग जर्नी देख सकते हो, थाईलैंड, वियतनाम, केरला, श्रीलंका, और जो भी मैंने की है जर्नी और जो आने वाली है। ओके, तो लेट्स कम टू द, आओ देखो खाओ, तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ले लेता हूँ ये थोड़ी सी चटनी कोकोनट वाली, इसको मैं थोड़ा सा राइस में लगा देता हूँ। लुक एट दिस, थोड़ा सा मैं इसको ये कोकोनट के साथ नेचुरली, कुछ अलग खाने की मजा। आते रहो, देखते रहो और खाते रहो, और सब्सक्राइब करते रहो, सुखी रहो, खुश रहो। वैसे तो बहुत लेट मैं आया था इसलिए सब यहाँ पे अभी खाली हो गया, 4 बज गए, लेकिन आप आते हो तो बहुत ही यहाँ पे भीड़ लगी होती है। जैसे यहाँ पे भी बुफे लगा हुआ है, तो ये नॉन एसी वाला एरिया सेक्शन बोल सकता हूँ मैं। ये वीडियो का एंड इस पान से, मीठा पान।